बिहार के खान पान की अगर बात निकले और उसमें लिट्टी चोखा का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिट्टी चोखा भले ही बिहार की परंपरागत डिश रही हो, लेकिन आज यह पूरे देश में मशहूर हो चुकी है। ठंड के मौसम में लिट्टी चोखा का स्वाद अलग ही मजा देता है। वैसे तो आपने कई तरीकों से लिट्टी बनाई होगी, लेकिन आज आप मेरे तरीके से लिट्टी चोखा बनाकर देखिए। आज हम आप सबके सामने एक लाए हैं आसान सी विधि, जिसकी मदद से आप आसानी से कुकर में भी लिट्टी बना सकते हैं। तो फिर चलिए चलते हैं कविता की रसोई में और बनाना शुरू करते हैं बिहार की परंपरागत डिश लिट्टी चोखा। लिट्टी बनाने से पहले हम चोखा बनाने के प्रोसेस में लग जाते हैं। इसके लिए हमने एक बैंगन को लिया है, 3 टमाटर को लिया है, इसको अच्छी तरह से धोकर पोंछ लिया है। अब बैंगन में चीरा लगाकर देखेंगे। इसको देखने से होता है कि पता चलता है बैंगन अंदर से ख़राब तो नहीं है और इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और एक फ़ायदा यह भी है कि जल्दी से सिक जाती है। बैंगन बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। इसके ऊपर हम तेल से थोड़ा सा ग्रीस कर देंगे, जिससे पकने के बाद इसको छिलका निकालने में आसानी होगी। टमाटर को भी ग्रीस कर लेंगे। अब हमारा बैंगन और टमाटर अच्छी तरह से पक चुका है। देखिए, टमाटर भी का छिलका काला हो गया है, बैंगन भी अच्छी तरह से सिक चुका है। अब इसको हम गैस पर से उतार लेंगे और इसको थाली में ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक यह ठंडा हो रहा है, तब तक हम इसका लिट्टी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। अब लिट्टी बनाने के लिए हम इसका आटा गूँथ लेते हैं। इसके लिए मैंने इस कप से 2.5 कप गेहूँ का आटा लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच अजवाइन मिला देंगे, इसको क्रश करके इसमें मिला देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसमें 3 बड़ा चम्मच घी मिला देंगे, घी मिला देने से खास्ता होगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। और इसमें हम 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा मिला देंगे, इससे लिट्टी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। इसमें 1/2 चम्मच नमक मिला देते हैं। अब इसको सबको अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं, इसको अच्छी तरह से मिला देना है। जब यह अच्छी तरह से मिल जाए तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रख के इसको गूँथ लेंगे। इसका आटा बहुत नरम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कुकर में बनाना है, इसलिए अगर आटा बहुत नरम करेंगे तो यह चपटी हो जाएगी। इसलिए आटा थोड़ा सा हल्का सा कड़ा गूँथेंगे। ये अच्छी तरह से मिल रहा है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लेंगे। अब आटा हमारा अच्छी तरह से गूँथ चुका है। अब इसको एक प्लेट से ढककर इसको 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। अब टमाटर और बैंगन ठंडा हो चुका है, अब इसको हम छील लेंगे। इसका ऊपर जो डंठल है उसको हटा देंगे। अब इसको चाकू की सहायता से छील लेंगे। इसी तरह कितना अच्छा छिल रहा है। टमाटर को भी इसी तरह छील लेंगे, तेल लगाने से ही फायदा है। और सबको अच्छी तरह से धो छील लेते हैं। अब बैंगन और टमाटर को अच्छी तरह से छील लिया है। टमाटर के ऊपर वाला भाग को भी निकाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा कड़ा रहता है। अब इसको चाकू की मदद से ऐसे कर देंगे, या किसी चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं। और इसमें चोखा में मिलाने के लिए लिए हैं नमक, बारीक कटा हुआ धनिया, 10 लहसुन की कली कटा हुआ, 5 हरी मिर्च कटा हुआ, 2 बड़ा चम्मच अदरक को कद्दूकस कर लिया है, 2 प्याज को बारीक चॉपर से काट लिया है। मैंने ज़्यादा ही बना दिया है, क्योंकि यह स्टफिंग में भी पड़ेगी, इसलिए एक बार में ज़्यादा बना दी हूँ। और इसमें मैं 4 मीडियम साइज के आलू को बॉयल कर ली थी और इसको छील ली हूँ। अब इसमें इसमें डाल दूँगी। सरसों का तेल है, इसको बाद में मिलाऊंगी। सरसों का तेल इसमें
डालना जरूरी है, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, उसके बाद पोटैटो मैशर से इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। इसमें मिला देते हैं प्याज 2 चम्मच, 1 चम्मच अदरक घिसा हुआ, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, लहसुन बारीक कटा हुआ, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपनी स्वादानुसार मिला सकते हैं, मिला लीजिए। 2 चम्मच तेल मिला रहे हैं इससे, सरसों का तेल है। अब सभी को इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब चोखा बनकर तैयार है और इसमें आधा नींबू का रस मिला देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ज़्यादा नहीं मिलाना है, थोड़ा सा मिलाना है। बहुत लोग इसको भून कर भी बनाते हैं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, मेरे घर में ऐसे ही लोग पसंद करते हैं, इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आपको अगर मन है भून के बनाने का तो भून के भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। चोखा तैयार हो गया है। अब लिट्टी बनाने के लिए हम लिट्टी का स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 250 ग्राम चने का सत्तू लिया है, ये कहीं भी मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और इसमें हम मिला देंगे 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, 1/2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मिला दीजिए, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, 1 कद्दूकस किया हुआ 1 चम्मच अदरक, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच सरसों का तेल मिला देंगे। सरसों का तेल इसमें मिलाना ज़रूरी है। थोड़ा सा हींग मिला देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, 1 पिंच। अब इसमें हम 1 नींबू गाड़ के मिला देते हैं इसका रस। नींबू का रस डालना ज़रूरी है, इसकी ये स्टफिंग बहुत अच्छी तैयार होगी। अब इसमें हमको मिलाना है अचार का मसाला। आपके पास अगर मिर्च का मसाला हो, चाहे आम के अचार का मसाला हो, कोई भी मसाला हो, इसको मिला दीजिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने 2 चम्मच लिया है, मिलाना इसमें बहुत ही ज़रूरी है, इससे इसका स्टफिंग इतनी अच्छी बनेगी कि बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा। अब इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें 1/2 चम्मच मंगरेला मिला देंगे, इसे कलौजी भी कहते हैं। थोड़ा 1/2 चम्मच अजवाइन क्रश करके मिला देंगे। यह भुरभुरी लग रही है, इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, हल्का सा, जिससे इस बाइंड हो जाए। थोड़ा सा मिला दिए इसको। स्टफिंग मैंने ज़्यादा तैयार कर ली है, बाद में पूरी भी इसका बन सकता है, बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं। इसमें थोड़ा नमक और मिला देती हूँ, कुछ कम लग रहा है। अब हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है, देखिए बाइंड भी हो रही है। अब 20 मिनट हो चुका है, अब आटा को लाएंगे, देखेंगे कि किस तरह हुआ है। आटा अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसका लोई काटेंगे, न छोटा न बड़ा, मीडियम साइज का, इस साइज का। अब इसको
थोड़ा सा हाथ में उंगली में आटा लगा लेंगे। अब इसको कटोरी के शेप में बना लेंगे ऐसे ऐसे करके। अब इसमें स्टफिंग डाल देंगे, 2 चम्मच डाल रही हूँ। इसको ऐसे दबा देंगे, फिर इसको ऐसे उंगली से ऐसे ऐसे दबा कर फिर इसको ऐसे करके मिला लेंगे। फिर इसको गोल कर लेंगे, गोल रहना ज़रूरी है। दूसरा भी करके दिखाती हूँ। इसको थोड़ा सा फैला लीजिए। अब इसको उंगली की मदद से फिर इसको कटोरी के शेप में बना लूँगी। अब इसमें स्टफिंग डालूँगी। स्टफिंग को ऐसे दबा देना है चम्मच से, फिर इसको उंगली से भी ऐसे दबा देंगे जो हमारा लिट्टी टूटे नहीं। अब इसको ऐसे जोड़ कर और इसी तरह हम सारी लिट्टी को तैयार कर लेंगे गोला गोला। अब कुकर को गैस पर चढ़ा दिए हैं और इसमें थोड़ा सा घी रख देंगे हल्का सा, लेके इसको फैला देंगे। इसके ढक्कन का रबर और सीटी निकाल लेंगे। अब इसमें लिट्टी डाल देंगे, 4 लिट्टी डाल रही हूँ। अब इसको ढक्कन इसका बंद कर देंगे, इसमें सीटी और रबर नहीं लगा हुआ है। कुकर को लो पर करके हम लोग 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट हो चुका है, कुकर का ढक्कन खोल कर देखते हैं। इसको पलट देंगे ऐसे, फिर इसको लो फ्लेम पर करके इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बीच में एक दो बार ढक्कन खोल कर देखेंगे और इसको उलटते पलटते रहेंगे। और फिर 5 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन खोल कर देखते हैं। इसको ऐसे पलटते रहेंगे। इसको देखिए इस तरह से भी सिक चुका है। कुकर को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे, बीच बीच में ऐसे पलटते रहेंगे जो चारों तरफ से अच्छी तरह से सूख चुका है। फिर थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देंगे। 20 मिनट के लिए लगातार इसको बंद करके नहीं छोड़ेंगे, हर 5 मिनट पर इसको खोलते रहेंगे और फिर इसको घुमा घुमा कर इसको ऐसे कर देंगे जो चारों तरफ से अच्छी तरह से सूख चुका है। फिर 5 मिनट के बाद ढक्कन को खोलेंगे। अब इसको फिर इस तरह जिस तरह नहीं पका है उसको ऐसे कर देंगे जिससे चारों तरफ है अच्छी तरह से सिक जाए। फिर 5 मिनट के लिए इसको बंद कर देंगे। अब ढक्कन इसका बंद कर देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद इसको खोल कर देखेंगे, फ्लेम को एकदम लो पर ही रखेंगे। और फिर 5 मिनट हो चुका है, अब इसको खोल कर देखते हैं। ये सिक रहा है, थोड़ा सा और सिकेगा। इसको थोड़ा देर ढक्कन नहीं लगाते हैं, ऐसे कर कर के घुमा घुमा के इसको सेकते रहेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से सिके। इसलिए ढक्कन नहीं हटा, थोड़ा देर में हटा हटा कर देखते रहेंगे। अब लिट्टी हमारा सिक चुका है, चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। इसमें क्रैक भी आ गया है, ये लिट्टी की पहचान है। अब इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसको जाली पर भी बना कर देखते हैं। इसमें थोड़ा सा घी लगा दिए हैं ताकि इसमें चिपके नहीं। अब इसको हमने पलट दिया है, इसको बीच बीच में पलटते रहेंगे और तब तक सेकेंगे जब वो अच्छी तरह से सिक न जाए। अब ये भी लिट्टी सिक चुका है, देखिए फट रहा है। अब इसको भी हम उतार लेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब लिट्टी को सर्व करने के लिए तैयार करेंगे। अब लिट्टी को घी में डुबा देते हैं। अगर आप डाइट पर हैं तो नहीं भी डुबाइए, ऐसे भी खाइए तो अच्छा लगेगा। देखिए कितना अच्छा लिट्टी बनकर तैयार हुआ है। एक कुकर का लिट्टी है, एक तरफ जो मैंने रखा है वो जाली पर सेका है। देखिए इसको मैं
तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे लिट्टी बनकर तैयार हैं। आप इस पर घी डाल के भी खा सकते हैं। अब जो सिका हुआ लिट्टी है उसमें भी घी लगा देते हैं, इससे इसका और टेस्ट अच्छा आ जाएगा। इसको डुबा देते हैं घी में। अगर आपको ज़्यादा घी पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही खाइए, लेकिन घी में डुबा कर खाने से इसका और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको भी घी में सबको डुबा दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा लिट्टी बनकर तैयार हुआ है, एकदम बिहारी स्टाइल में। बिहार का लिट्टी चोखा एकदम फेमस रहता है, कोई भी फंक्शन हो उसमें लिट्टी चोखा अवश्य बनाया जाता है। इसे आप अवश्य बनाइए। देखिए कितना अच्छा बन के लिट्टी तैयार हुआ है। इसे आप अवश्य बनाइए, अपने भी खाइए, परिवार वालों को भी खिलाइए, सब कोई आपकी बहुत तारीफ करेगा। बिहार का है ये स्पेशल लिट्टी चोखा। अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी लिट्टी कैसे बनी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।